नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की चार बड़ी खबरें। पहली खबर है, बांग्लादेश में हिंसा के बाद बदलती सियासत को पूरी तरह से समझाएंगे। लैंड फॉर जॉब में शिकंजे में फैमिली, जो लालू प्रसाद की फैमिली आई है वो क्यों आई है वो खबर आपको समझाएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा में लीक प्रूफ के मायने को समझाएंगे। इनाम के जरिए बालू माफियाओं पर शिकंजे को समझाएंगे। इन सभी खबरों को दिखाएंगे, उसके पहले उनके मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस हादसे जिसमें बिहार के 9 लोगों की जान चली गई है, सबसे पहले वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। और बांग्लादेश में अशांति और हिंसा के बाद भारत सरकार बेहद अलर्ट है, सतर्क है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़े जाने के बाद पड़ोसी देश के ताजा हालातों को लेकर सरकार की ओर से बयान जारी कर दिया गया है। तो इन सब के बीच बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है, आखिर क्यों, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसा के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। सोमवार की शाम भारत पहुंची शेख हसीना हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में रुकी। पड़ोसी मुल्क में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारत सरकार की भी पैनी नजर है। मंगलवार को दिल्ली में सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का फैसला किया। भारत की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी बंगाल की सरकार, उनमें तालमेल बढ़ना चाहिए। ममता दीदी को भी अब केंद्र का विरोध छोड़ करके, जो अब संभावित खतरा बांग्लादेश से शरणार्थियों का या टेररिस्ट का है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके उसको रोक लगानी चाहिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर वो हमारी सरकार ने। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए, वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। मॉनिटरिंग द सिचुएशन विद रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ इनिशिएटिव्स बाय वेरियस ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू एंश्योर द प्रोटेक्शन एंड वेलबीइंग। इन द लास्ट 24 आवर्स We have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर पुलिस की गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। बिहार सरकार विशेष तौर पर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि किशनगंज जिले से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। देवीगंज लोधन चोपड़ा से फुलवारी तक बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है। बीएसएफ की गश्ती बढ़ाने का दिल्ली से विशेष निर्देश जारी किया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और अशांति के बीच भारत पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। खासकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद बदली सियासत को समझिए। बांग्लादेश में जो अशांति है और हिंसा है वो लगातार जारी है। तस्वीर में भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार बेहद अलर्ट है, सतर्क है। शेख हसीना अभी भारत में ही है, कल वो भारत आ चुकी है और अभी भी वो भारत में ही है। दिल्ली के पास हिंडन बेस गेस्ट हाउस में वो ठहरी हुई है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हालात बदले हैं, बांग्लादेश की सियासत बदल गई है। भारत की नजर पड़ोसी देश के हालातों पर लगातार बनी हुई है क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के साथ सीमा को शेयर करता है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर भी भारत की चिंता है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बयान दिया है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमारी नजर है, वहां कई मंदिरों को तोड़ने की तस्वीरें आ रही हैं, हिंदुओं के घरों को लूटा गया है। साथ ही साथ बांग्लादेश की हिंसा के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, सीमावर्ती इलाकों में सख्त गश्ती की जा रही है, इसके निर्देश केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। किशनगंज जिले से 17 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश बॉर्डर, जहां से घुसपैठ ना बढ़े इसको लेकर तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। और रेलवे में लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू प्रसाद तेजस्वी समेत 11 आरोपियों के खिलाफ नई दिल्ली के राउश एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। लालू फैमिली पर बढ़ते शिकंजे को लेकर सियासत भी तेज है। लालू फैमिली पर जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित 11 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में मीसा भारती का भी नाम है। 13 अगस्त को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। ये मामला रेलवे में हुई भर्ती में धांधली से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते लोगों को नौकरी के एवज में उनसे जमीन और फ्लैट लिखवाए थे। लालू फैमिली पर जांच एजेंसी के शिकंजे के बाद सियासत तेज है। जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कसते हुए लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। इस पर हमको क्या कहना है, कोई जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है, और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही है। इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कह सकता है। ये लालू का परिवार आदतन भ्रष्टाचारी अपराधी परिवार है। सीबीआई ने आज चार्जशीट में तेजस्वी लालू समेत 11 लोगों के नाम दर्ज किए हैं। दरअसल इन लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। रेलवे में लैंड फॉर जॉब केस में आई तेजी के बाद सियासत भले हो रही हो, पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहली बार चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आया है। तेजस्वी के खिलाफ ईडी एक्शन ले सकती है। ईडी तेजस्वी को हिरासत में ले सकती है। 15 अगस्त से तेजस्वी चुनावी यात्रा करने वाले हैं। तेजस्वी की यात्रा पर ईडी के एक्शन का असर हो सकता है। आरजेडी के चुनावी कैंपेन को भी झटका लग सकता है, और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जाहिर है इस केस में पॉलिटिक्स तेज है। अब सभी की नजर 13 अगस्त पर टिकी है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो। तो चलिए आपको समझाते हैं लैंड फॉर जॉब मामले में शिकंजे में लालू की फैमिली क्यों है। ईडी ने लालू तेजस्वी समेत 11 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। 11 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। पहली बार तेजस्वी यादव का नाम भी सामने आया है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम उसमें रखा गया है। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद पर आरोप लगे थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा था। नौकरी लेने वाले कई लोगों से पूछताछ में इस बात का खुलासा भी हुआ है। लालू प्रसाद पर अपने परिवार के नाम पर जमीन लिखवाने का भी आरोप लगा है। सीबीआई की जांच के बाद ईडी ने रिपोर्ट दाखिल की है। ईडी ने अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। यह आरोपी के खिलाफ लिखित कानूनी दस्तावेज होता है। जांच के दौरान मिली नई जानकारी का इसमें जिक्र होता है। लालू तेजस्वी और मीसा भारती का नाम चार्जशीट में दाखिल है। तो बड़ी बात यह है कि लालू का भी नाम है, तेजस्वी का भी नाम है, और साथ ही साथ मीसा भारती का भी नाम चार्जशीट में दाखिल है। चार्जशीट से लालू तेजस्वी और मीसा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेजस्वी के खिलाफ ईडी एक्शन ले सकती है। 15 अगस्त से तेजस्वी चुनावी यात्रा निकालने वाले हैं। तेजस्वी की यात्रा पर ईडी के एक्शन का असर होता दिख सकता है। 2025 के चुनाव में भी इसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है। 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, और उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है। कल यानी बुधवार से बिहार से
सभी जिला मुख्यालयों से सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा को लीक प्रूफ और कदाचार मुक्त बनाने का दावा विभाग की ओर से किया जा रहा है। पहली बार पेपर लीक होने पर ही इस परीक्षा को रद्द किया गया था। अब की बार ईओयू ने फुल प्रूफ एग्जाम का दावा किया है। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर पूरी खबर भी समझाइए। पिछली बार प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोबारा बिहार पुलिस भर्ती की परीक्षा बुधवार यानी 7 अगस्त से शुरू हो रही है। प्रदेश भर के सभी 38 जिलों में 545 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश भर में कुल 545 केंद्र बनाए गए हैं। 17,87,720 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पारदर्शिता और कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया गया है। सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर 500 गज के दायरे में धारा 144 लगी रहेगी। अफवाहों अनचाहे फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे पुराने प्रोफेशनल गिरोह हैं जिनके ऊपर हम लोग नजर रखे हुए हैं। कुछ कुछ हम लोगों को सूचना जो हम लोगों ने नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए हैं, पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो इस बार किसी भी कीमत पर परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक जैसे मुद्दों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए ईओयू तैयार है। ईओयू का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 8544428404 पर शिकायत की जा सकती है। इस नंबर पर साइबर ठगों की शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन ईमेल cybercell@nic भी जारी की गई है। शिक्षक के बाद सबसे ज्यादा संख्या में बहाल होने वाले सिपाहियों की परीक्षा को लेकर विभाग बेहद गंभीर है। लीक प्रूफ परीक्षा के दावों के बीच सभी को यही उम्मीद है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा बगैर किसी शिकायत के संपन्न हो। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा के लीक प्रूफ के मायने को भी समझिए। सिपाही भर्ती की परीक्षा बिहार में आयोजित हो रही है। 7 से 9 अगस्त तक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सभी 38 जिलों में 545 सेंटर पर एग्जाम होगा। करीब 18 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 1 अक्टूबर 2023 को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद दोबारा सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही है। इस बार लीक प्रूफ एग्जाम की तैयारी है। ईओयू ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस बार किसी भी हाल में परीक्षा की फुल प्रूफ तैयारी है। एग्जाम सेंटर के बाहर धारा 144 लगाई गई है। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा का संचालन होगा। सरकार कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बार बार पेपर लीक होने से बिहार की बदनामी होती है, सरकार की छवि खराब होती है। हाल ही में नीट पेपर लीक कांड में किरकिरी हो चुकी है। पटना से रांची तक सॉल्वर गैंग का खुलासा भी हुआ है। मेडिकल छात्र से लेकर डॉक्टर तक, प्रोफेसर तक इसमें शामिल थे। और बात बिहार में बालू माफियाओं की। बिहार में बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। माफिया के खिलाफ इस मुहिम से सरकार ने आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है। अब जो भी सरकार को बालू के अवैध खनन की जानकारी देगा, सरकार उसे इनाम देगी। इनाम की राशि क्या होगी, हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में नासूर बन चुके अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है। अब माफियाओं की धरपकड़ में सरकार आम जनता से सहयोग की अपील कर रही है। अवैध खनन की सूचना देने वालों को सरकार इनाम देगी और इसके लिए सरकार ने 2 मोबाइल नंबर जारी किए हैं। पहला नंबर है 9473191437 और दूसरा नंबर है 9939596554, जिस पर कॉल करके आप कभी भी अवैध खनन की सूचना दे सकते हैं। सूचना के हिसाब से सरकार सूचना देने वाले को इनाम देगी। ओवरलोडेड ट्रैक्टर की सूचना देने पर ₹5,000 मिलेंगे। ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर ₹10,000 मिलेंगे।
जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन की सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में मौजूदा समय में कुल 891 बालू घाट हैं, जिनमें से 488 पीला बालू घाट हैं, जबकि 403 सफेद बालू घाट हैं। फिलहाल 15 जून से 15 अक्टूबर तक इन सभी घाटों पर बालू खनन बंद है। बालू खनन के खिलाफ सरकार की ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर सरकार अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लेती रही है। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अब तक अवैध खनन के खिलाफ 6,095 छापेमारियां की गई, जिनमें 3,462 वाहन जब्त हुए। 832 प्राथमिकी के साथ अब तक कुल 375 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इतना ही नहीं, इन छापेमारियों के दौरान करीब 43,44,00,000 रुपए की राशि वसूली भी गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जब से खनन विभाग के मंत्री का पद संभाला है, तब से वो बालू माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर माफिया बाज नहीं आए तो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर वे लगातार कई कड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में अब जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।